रालोसपा पूर्णिया में 7 सितंबर से मशाल जुलूस के जरिए शिक्षा सुधार बनाएं बटन दबाएं का आधार कार्यक्रम का शुरुआत करेगी। यह कार्यक्रम 7 दिवसीय होगा। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष रमेश कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता के दरमियान दी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं देश के सपूत जगदेव प्रसाद के आदर्शों को आधार बनाते हुए उनकी पार्टी यह अभियान चलाई है, जिसके तहत घर घर पहुंचकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही रमेश कुशवाहा ने इस दरमियान कहा कि महागठबंधन पूर्णिया में 7 सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में है और अगर धमधा एवं पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र से रालोसपा को सीट दिया जाता है तो उनकी पार्टी अपार मतों से जीत हासिल करेगी। वहीं रमेश कुशवाहा ने धमधा समेत जिले के अन्य क्षेत्रों में शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा एवं धमधा विधायक लेसी सिंह पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में शिलान्यास करना महज छलावा है और ये लोग जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, किंतु जनता सब समझती है, इसीलिए इस मर्तबा इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी। वहीं अमरिंदर कुशवाहा ने भी इस दरमियान पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा एवं धमधा विधायक लेसी सिंह पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित कार्यक्रम है, साप्ताहिक कार्यक्रम है शिक्षा सुधार को लेकर। शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एक मुहिम चलाई है जो 7 दिनों तक का कार्यक्रम है कि बटन जो हम लोग वोट डालते हैं, वोट डालने का मकसद होना चाहिए शिक्षा सुधार। तो ये कार्यक्रम हम लोगों का पहला कार्यक्रम जिला से शुरू होगा और हम लोग पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर और जगदेव बाबू के शहादत पर जो है हम लोग चित्र पर माल्यार्पण कर शिक्षक को सम्मानित करते हुए और शाम को जिला स्कूल से मशाल जुलूस उनका आस्था मंदिर होते हुए आपको आर एन शाह चौक तक करेंगे। इसी तरह का कार्यक्रम जिले के सभी प्रखंड में हम लोग चलाएंगे। साथ ही हम लोगों का कार्यक्रम जो है कि ऐसा पूरे प्रखंड में अलग अलग दिन में चलेगा। हर एक प्रखंड में कार्यक्रम को होना है, उसका प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। साथ ही है क्या कि हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पूरे जिला में संगठन को तैयार की है। महागठबंधन जिस सीट पर चुनाव लड़ती है वहाँ पर हम लोग काफ़ी मदद करेंगे गठबंधन को। और 2 सीट है जो पूर्णिया सदर और धमधा विधानसभा, इस पर हमारा तैयारी बूथ लेवल तक है और अगर ये सीट राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को मिलती है तो जीत सुनिश्चित है, अपार मतों से जीत होगी। और जो भी सीट महागठबंधन को मिलेगा हम लोग पूरे जिले में जो है कि महागठबंधन को सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात है कि अभी चुनावी वर्ष चल रहा है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि सत्ता पक्ष मतलब हमारे जिले के सांसद जी और माननीय विधायक धमधा लेसी सिंह जी अभी देख रहे हैं ताबड़तोड़ शिलान्यास कर रहे हैं, जो कि एक छलावा है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। और जो भी शिलान्यास हो रहा है, जबकि आप लोग सभी जान रहे हैं कि ये कार्य हो नहीं पाएगा इलेक्शन से पहले, तो ऐसा शिलान्यास एक छलावा है, जनता को धोखा देना है। तो 15 साल में ये लोग तो कुछ कर नहीं पाए, अब चुनाव आते हैं ये लोग शिलान्यास करना चालू कर देते हैं। देख रहे होंगे कि धमधा मतलब बाजार से जो दमगरा रोड जाती है उसमें काफ़ी कीचड़ रहता है, वहाँ पर 15 साल में एक नाला वो नहीं बना पाई। और खेल मैदान देख रहे हैं, वो खेल मैदान का भी बुरा स्थिति है। दमगरा एरिया में जो है कि कोई हॉस्पिटल था जिस पर जो है कि पैसा आवंटन हो चुका है, बंदर बांट हो चुका है और उसका भी बदतर हाल है। यानी कि शिलान्यास करना, पैसे का बंटर बांट करना, ये जो है कि इन लोगों का है, लेकिन जनता समझ चुकी है इस बार महागठबंधन का सरकार बनना है और हम लोग पूरी ताकत के साथ महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। उनका मानना है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अभी पूरे बिहार में एक सप्ताह के लिए शिक्षा सुधार बटन दबाने का पहला आधार कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत कल पूर्णिया महानगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा, कार्यालय में शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। और दूसरा हम लोगों का मानना यह है कि अभी वर्तमान जो परिस्थिति आई है चुनाव का,
बिहार विधानसभा होना है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सभी साथी मिलकर के पूर्णिया जिला के सातों विधानसभा में पूर्ण तैयारी की है। विशेष रूप से धमदाहा और पूर्णिया सीट पर पूरा तैयारी हो चुकी है पार्टी की, और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि अगर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को पूर्णिया सदर विधानसभा और धमदाहा मिल जाती है तो जीत सुनिश्चित है। उसे सातों विधानसभा सीट पर महागठबंधन जीत हो। अच्छा, एक छोटा सा सवाल हमारा ये, किस तरह से धमदाहा में और पूरे जिले में शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा है, क्या लगता है किस तरह का कार्यक्रम है ये? देखिए, पूर्णिया के माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी और विधायक लेसी सिंह जो अभी शिलान्यास का कार्यक्रम कर रही है, वो एक छलावा है, आम जनता को भ्रम में डाल रहा है। पूर्णिया के सांसद का जीता हुआ लगभग 2 वर्ष हो चुका है, इतना दिन उनको याद नहीं आई क्षेत्र की, और जब आचार संहिता के लगने के एन मौके पर उनका संयुक्त रूप से लेसी सिंह जी के साथ शिलान्यास करना, ये जनता को धोखा देना है। इसका राष्ट्रीय लोक समता पार्टी पुरजोर विरोध करती है, आगे भी हम लोग विरोध करेंगे।